हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल पूजा यादव 15। आई होप कि दोस्तों सब लोग अपने अपने घरों में मस्त होंगे, खुश होंगे। और दोस्तों आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक करेले की रेसिपी। बच्चों को करेले खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है क्योंकि करेले कड़वे होते हैं। दोस्तों जैसे मैं करेले बनाती हूँ, मेरे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं, तो एक बार मेरे तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं जिनको मैंने धोकर साफ़ कर लिया है, और इनके मैंने छिलके भी उतार लिए हैं, और इनके मैं अब पीसेस करूँगी। दोस्तों पीसेस हमें बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं करने हैं, और छिलका है वो हमें फेंकना नहीं है क्योंकि ये भी हम यूज़ करेंगे। दोस्तों मैंने अब इसमें डाल दिया है नमक। नमक डालकर मैं इसको 6-7 घंटे के लिए रख दूँगी, क्योंकि नमक डालने से जो करेले का कड़वापन होता है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है, और इसमें से जो पानी निकलेगा कड़वा वो सारा फेंक देंगे। मैं इसको छलनी में डालकर रख दूँगी दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से करेले में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती है। जो लोग साथ साथ बनाते हैं उनके करेले कड़वे बनते हैं, मेरे करेले कभी भी कड़वे नहीं बनते। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना। 6-7 घंटे हो चुके हैं दोस्तों, देखिए करेले का भी कलर चेंज हो चुका है, और करेले मैंने 5-6 बार पानी में से धोकर निकाल लिए हैं, और इनको मैंने निचोड़ कर भी रख लिया है। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जब हम फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा चटकेंगे। दोस्तों मैंने लिया है इसके अंदर कुछ मसाले लिए हैं, नमक है, हल्दी है, मिर्च है, और सौंफ पाउडर है, धनिया पाउडर, और मैंने हींग भी लिए है, और 4 बड़े साइज़ के प्याज भी लिए हैं, लहसुन अदरक लिया है। इनको हम कट करके रख लेंगे दोस्तों। मैं एक प्याज को रख लूँगी, और जो 3 प्याज है मैंने उनको लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है, और करेले भी रख लिए हैं। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, और लहसुन प्याज का भी अदरक का भी पेस्ट बना लिया है दोस्तों। प्याज अब इसके अंदर फ्राई करेंगे हम, और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जब ये हल्का सा इनके अंदर कलर आ जाता है तब हम इनको निकाल लेते हैं। दोस्तों मैं कभी भी कोई रिफाइंड यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब करेले भी फ्राई करेंगे, और करेले भी हमें इसी स्टेज तक रखने हैं, ज़्यादा नहीं भूनने हैं, नहीं तो वो जल जाएंगे दोस्तों। देखिए हमारे फ्राई हो चुके हैं, और कितना बढ़िया कलर आया है इसके अंदर। और अब मैं जो करेले के छिलके थे अब उनको हम फ्राई करेंगे। इसको मैं सबसे लास्ट में फ्राई करती हूँ क्योंकि ये बारीक मटेरियल होता है, तो मैं इसको बाद में फ्राई करती हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं करना, ये जल्दी ही जल जाते हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद में निकाल लेंगे दोस्तों। सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी है, अब जो तेल बचा है कढ़ाई के अंदर उसी के अंदर हम सारे मसाले भून लेते हैं। इसमें लहसुन अदरक पेस्ट जो था वो भी मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे, जो एक प्याज मैंने अलग से रखा था उसको मैंने पीस कर रख लिया था। अब हमारे मसाले भी भून चुके हैं, और अब इसी में मैंने जो कच्ची कैरी थी उसको मैंने पीस कर रख लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। हल्दी डाल दी है इसमें। हम अपने मसाले अपने हिसाब से डालते हैं दोस्तों, जिसको जैसा पसंद होता है खाना, तीखा या कम तीखा खाना, तो उसी हिसाब से आप मसाले डालिएगा। मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए, और मैंने इसमें मैगी मसाला भी दोस्तों यूज़ किया है कि उसे टेस्ट थोड़ा और अच्छा आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना मैगी मसाला डालकर। देखिए मसाले हमारे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए। अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी 5 मिनट के लिए, और गैस को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। जो चीज़ें मैंने फ्राई की थी, प्याज और जो करेले मैंने फ्राई किए थे, वो हम अब डाल देंगे इसमें, और सारे करेले और प्याज को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे दोस्तों। मिक्स करने के बाद में इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे दोस्तों। मैं इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं डालूंगी, क्योंकि पानी डालने से जल्दी करेले ख़राब भी हो जाते हैं, और उसका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं होता है। मैं सिर्फ ऑयल के अंदर ही बनाती हूँ दोस्तों। मेरे करेले बनकर तैयार हो गए हैं, और मैंने इसे धनिया पत्ती डालकर भी सर्व कर दिया दोस्तों। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में।